हाय गाइस, शाहिद दुबई वाला इज़ हियर। एक्चुअली मुझे काफ़ी लोग पाकिस्तान से कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असामदार सब दुबई में है, और शाहिद दुबई वाला आप भी दुबई में हो, तो प्लीज़ हमें चेक करके बताओ आया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके असासे दुबई में मौजूद हैं। तो ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, और मैं कुछ आपको टिपिकल बातें बताता हूँ जो आपको जानना चाहते हैं आप लोग। प्लीज़ आइए मेरे साथ। हाय दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कानों के कच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आंखों देखा हाल देखकर भी लोग आंखों के अंधे बन चुके हैं। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सागदार साहब की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं ये कितनी मालियत की बिल्डिंग होगी, और इसके नीचे कितनी दुकानें हैं और कितने रेंट्स इनको अर्न होते होंगे। मैं एज अ रिपोर्टर आपको आज ये सारी बिल्डिंग्स दिखाऊंगा, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं वो फील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो एंकर्स हैं वो क्या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जब वो किसी की प्रॉपर्टी पे जाके वो बात करते हैं या वो इंटरव्यू किसी का लेने जाते हैं। तो मैं अभी HDS टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड पर खड़ा हुआ हूँ, और इस टावर को अगर आपने देखना है आपकी गर्दन थक जाएगी, आप ऊपर फ्लोर नहीं गिन पाओगे कि कितने फ्लोर है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वो टावर है, तो आप खुद ही काउंट कर लेंगे कितने फ्लोर है ये। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक पाकिस्तानी को ये वीडियो पहुंच जाए और उनको पता चल जाए कि उनके असासे कहां कहां और किधर किधर हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का हक अदा हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। ये बिल्डिंग को आप देख लो, आपके पास ट्रकों के ट्रक होने चाहिए ये बिल्डिंग खरीदने के लिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ इस बिल्डिंग के, ताकि मैं आपको इसके बारे में और बता सकूँ। अरे दोस्तों, आप लोग किधर? मैं अभी मैनेजमेंट से मिल के आ रहा हूँ, मुझे 2 घंटे लगे हैं इन लोगों को एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी आदमी आया था, उसने मुझे 2 मिनट में समझा दिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। इन लोगों को छोड़ो जी, छोड़ो, कोई मसला नहीं, इन लोगों को छोड़ो। इन्होंने आगे जरदारी साहब का ज़िला है, ब्लैक हाउस के नाम से बहुत मशहूर है पाम में। आसिफ जरदारी, इसके बाद तुम्हारी बारी है।